हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैशाली उड्डा। टुडेज अवर टॉपिक इज़ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हमने नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला, सिंपल फेस मास्क, पार्शियल रीब्रीथर मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क और फेस टेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क को हम एयर एंटेनमेंट भी बोलते हैं। इसमें हम एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन ओटो की डिलीवर्ड करते हैं। बाकी मेथड से हम ओटो की कंसंट्रेशन को एक रेंज में एडमिनिस्टर करते हैं, 40 to 60, 30 to 50। बट वेंचुरी मास्क में हम एक फिक्स्ड अमाउंट में कंसंट्रेशन एडमिनिस्टर करते हैं। इसका फ्लो रेट डिपेंड करता है एंटेनमेंट डिवाइस का कलर कौन सा है। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसके फ्लो रेट होते हैं। इसके कंसंट्रेशन भी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ही होती है, 24 to 60। मोस्टली दिया जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। इस मेथड को हम जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जब हमें O2 एक फिक्स कंसंट्रेशन में कॉन्स्टेंटली एडमिनिस्ट्रेट करना हो। अब आते हैं इसके एंटेनमेंट डिवाइस के कलर कोड पर, जिसके अकॉर्डिंग इसका फ्लो रेट और कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। कलर कोड के लिए हमारे पास निमोनिक है, बिल्लू वाइप्स ऑर्डर्ड येलो राइस एंड ग्रीन चटनी, बिल्लू से ब्लू, वाइफ के डब्ल्यू से वाइट, ऑर्डर्ड के ओ से ऑरेंज, येलो से येलो, राइस के आर से रेड, ग्रीन से ग्रीन। अब आते हैं इसके फ्लो रेट पर। इसका फ्लो रेट 2 से 15 होता है। स्टार्टिंग करेंगे हम 2 से और लास्ट में हम 15 कर देंगे। बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसमें 2 के बाद ऐड करते जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 15। अब आते हैं इसके ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर। स्टार्ट करना है 24 से, फिर उसमें 4 ऐड करना है, 28%, फिर 31 ऐसे ही लिख देंगे, फिर उसमें फिर से 4 ऐड करेंगे, 35%, देन 40 और 60। ऑक्सीजन हुड, ऑक्सीजन हुड हम इन्फेंट्स में देते हैं। इसके थ्रू हम 80 से 90% कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का डिलीवर करते हैं। इसका फ्लो रेट होता है 10 से 15 लीटर पर मिनट। इसमें रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल होता है। इस मेथड में हम ह्यूमिडिटी सेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन टेंट। ये दिया जाता है बर्न के केसेस में। ये हमारी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और 30 से 50% कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की डिलीवर करता है। इसका फ्लो रेट होता है 10 से 12 लीटर पर मिनट। अब आते हैं, जब भी हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। पहला है लॉरेन स्मिथ इफेक्ट। इस इफेक्ट में पल्मोनरी सिस्टम में ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसको हम याद रख सकते हैं, L4 लंग्स एंड L4 लॉरेन। लंग्स मतलब पल्मोनरी सिस्टम में जब भी O2 की टॉक्सिसिटी हो जाए तो होता है लॉरेन स्मिथ इफेक्ट। नेक्स्ट है पोल बर्ट इफेक्ट। पोल बर्ट इफेक्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसको हम याद रख सकते हैं, P for pituitary and B for brain, पोल बर्ट यानी पी और बी। नेक्स्ट है रेट्रोरेंटल फिब्रोप्लासिया। ये होता जब है जब हम प्री मैच्योर न्यू बॉर्न में हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।